हमेशा सेहतमंद रहने के लिए चाणक्य की इन बातों का करें पालन। आचार्य चाणक्य ने मनुष्यों के कल्याण के लिए बहुत सी बातें बताई हैं। चाणक्य नीति शास्त्र में ऐसी कई नीतियां हैं जिन्हें अपनाकर व्यक्ति सफलता की मंजिल को प्राप्त कर सकता है। स्वास्थ्य के विषय में भी उन्होंने कुछ विशेष बातें बताई हैं। जैसा कि हम जानते हैं, अच्छी सेहत मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी होती है। अगर व्यक्ति सेहतमंद है तो वे हर कामयाबी को पा सकता है। इसलिए हमें अपनी सेहत पर जरूर ध्यान देना चाहिए। अच्छी सेहत के लिए हमारा खान पान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अजीर्णे भेजन वारि जीर्णे वारि बल प्रदम भोजने चामृतम वारि भोजनांते विष प्रदम। अर्थात भोजन न पचने पर पिया गया पानी औषधि के समान होता है। भोजन पचने के करीब आधे से एक घंटे बाद पानी पीना शरीर के लिए फायदेमंद माना गया है। भोजन के बीच में बहुत थोड़ा पानी पीना अमृत के समान माना गया है। वहीं भोजन के तुरंत बाद पानी का सेवन विष के समान होता है। चूर्ण दश गुणो अंते ता दश गुण पय जान पय से अठ गुण मांस देते है दश गुण ऋतमान। अर्थात खड़े अन्न की तुलना में पीसा हुआ अन्न ज्यादा पौष्टिक होता है। पिसे हुए अन्न से 10 गुना ज्यादा फायदेमंद दूध होता है, जबकि दूध से 10 गुना मांस पौष्टिक होता है और मांस से 10 गुना पौष्टिक घी होता है। अगली स्लाइड देखें। गुरच औषधि सुखन में भोजन का हो प्रमाण, चक्षु इंद्रिय सब अंश में शिर प्रदान भी जान। अर्थात सभी तरह की औषधियों में गिलोय प्रदान है, सब सुखों में भोजन प्रदान है। तात्पर्य है किसी भी प्रकार का सुख हो लेकिन सबसे ज्यादा सुख भोजन करने में आता है। शरीर की सभी इंद्रियों में आँखें प्रदान हैं और सभी अंगों में मस्तिष्क प्रदान है। आचार्य चाणक्य के अनुसार अच्छी सेहत और निरोगी काया के लिए सप्ताह में एक बार पूरे शरीर की मालिश करनी चाहिए। इससे रोम छिद्र खुल जाते हैं और अंदर की गंदगी बाहर निकल जाती है। मालिश के बाद स्नान अवश्य ही करना चाहिए।